बल्कि उनको करने की इजाज़त भी होनी चाहिए और जब वो कोई करारदाद मंजूर करें तो इंतज़ामिया उसके ऊपर अमल दरामद करे। लेकिन अगर गवर्नर उस करारदाद को वीटो करता है और एक साल के बाद दोबारा असम्बली मंजूर कर ले तो उसके ऊपर इंतज़ामिया को हर सूरत अमल पैरा होना होगा। इस तमाम सूरत हाल से इस बात का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है कि बरसग़ीर पाक व हिंद में अंग्रेज़ हुकूमत के दौरान मकामी नुमाइंदों को इंतज़ामी अमूर के ऊपर किसी किस्म की कोई गिरफ्त नहीं थी। मरकजी इंतजामिया से मुतालिक क्या दोनों जमातों ने फैसला किया? नंबर एक, मरकज में इंतजामी सरबरा गवर्नर होगा। नंबर दो, गवर्नर का तकर्रुर बरतानवी हुक्मरान करेगा। नंबर तीन, गवर्नर की एक इंतजामी कौंसल होगी। नंबर चार, कौंसल के आधे अरकान का ताल्लुक बर्रे सगीर होगा, सूबाई इंतजामिया। नंबर एक, हर सूबे का इंतजामी सरबरा गवर्नर होगा। नंबर दो, गवर्नर की एक इंतजामी कौंसल होगी। नंबर तीन, कौंसल के आधे अरकान का ताल्लुक मुतल्लिका सूबे से होगा। नंबर चार, कौंसल की मियाद 5 साल होगी। नंबर पाँच, सूबाई असम्बली के अराकीन अपने वोटों से कौंसल के अराकीन का इंतखाब करेंगे। उम्मीद है अजीज़ तालिबात आपको इन तमाम बुनियादी नुकात की बखूबी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम बाकी के पॉइंट्स के ऊपर रोशनी डालेंगे। बहुत शुक्रिया, फी अमान।